छोड़िए, हमेशा ये सवाल आपके सामने आता है कि आपको कोई भी चीज़ बनवानी है, जैसे मान लीजिए अभी एल्युमिनियम की बारी बनवानी है, ठीक है। अच्छा तो अच्छा इसमें आपको, आपने तीन जगह ट्राई किया, कोई आपको, मैं उदाहरण के तौर पे मान के चला हूँ, कोई आपको 3,000 बताता है, कोई 3,500 बताता है, कोई 4,000 बताता है, तो उसमें आपको क्या देखना है कि क्वालिटी देखनी है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखिए आप अच्छी चीज़ बनवा सकते हो उचित दाम पर। मैं आपको उसमें से कुछ बातें बता रहा हूँ, ये देख लीजिए आप भाई साहब, आप वीडियो को नज़दीक लाइए। एक तो देखिए जो फ्रेम बना होता है ना, उसका आप यहाँ पे देखिए, ये कातरा बोलते हैं इसको, ये जॉइंट सारे टच होने चाहिए, आप देख लीजिए इसमें एकदम बारीकी, भाई एकदम बारीकी से बताओ सभी यूजर्स को नज़र आइए। देखिए ये सारे जॉइंट आप चेक कर लीजिए, चारों जॉइंट होने चाहिए, ये वाले जॉइंट और ये वाले जॉइंट बढ़िया से चिपके होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा अंदर का जो रबड़ है, दिख रहा है भाई आपको, ये जो पूरा रबड़ है ना, ये एकदम यहाँ से चिपका होना चाहिए। थोड़ा कैमरे को पीछे ले लो भाई, ये देखिए ये पूरा चिपका होना चाहिए और इस रबड़ में कहीं पे भी ऐसा कट नहीं होना चाहिए। मैंने ये रबड़ एक लाइन में घुमाया है, आपको महसूस नहीं होगा, देख लीजिए इसमें। बाकी लोग आपके घर में बना हुआ है या बना रहे हैं तो आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे लोग, कुछ लोग यहाँ तक छोड़ देते हैं, कुछ यहाँ तक छोड़ देते हैं, वो उनकी कमी रहती है, इस बात को आप हमेशा गौर कीजिए। ये हो गया। और तीसरा पॉइंट, इसकी जो फिटिंग होती है, जैसे मान लीजिए कब्जे हो गए, हैंडल हो गया, और ये जो टावर बोल्ट जिसको हम लोग चिटकनी बोलते हैं, ये आप उसको बोलिए सारी फिटिंग स्टील की लगाए। उसमें क्या होगा, स्टील की लाइफ रहती है और बारिश वगैरह में मौसम में उसमें क्या है, एक तो काट नहीं आता, दूसरे में इसकी लाइफ रहती है। इसमें जैसे मैंने इसमें स्टील के कब्जे लगाए, बाकी लोग जो बोल रहे हैं मैं सस्ता बनाऊंगा, वो नहीं लगेगा क्योंकि वो कभी अपना लॉस नहीं करेगा। इसमें अपन की GI भी आती है, GI क्या आते हैं, जो मैं अपन लोहे का बोलते हैं, ये देखिए मैं खोल के बताता हूँ आपको, इसमें आपको कंपनी का नाम भी शो करेगा। बहुत महंगे कब्जे हैं, लोग गेटों में लगाते हैं, हमने बारी में लगाए। भाई साहब दिखाइए, ये देखिए यामा नाम बताइए इनको आपको यूडियो, ये देखिए आपको नाम भी शो कर, अगर आप हार्डवेयर की दुकान पर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ये देखिए यामा नाम है, बहुत महंगे कब्जे हैं। फिर हमने इसलिए ताकि जो भी ओनर को परेशानी नहीं हो। ये देखिए अंदर की फिटिंग बता दीजिए इनको, ये देखिए जॉइंट एकदम टच है, रबड़ भी यहाँ पे कट नहीं लगा है। बाकी जो सस्ते में बनाते हैं वो यहाँ पे रबड़ टच नहीं करते क्योंकि उनको जल्दी में बनाना होता है, उन्होंने कम रेट में काम ले लिया होता है और बाद में उनको जल्दी से पूरा करना होता है। हमारे में वो काम नहीं है, हमारे में जो भी काम होगा तसल्ली से होगा और बढ़िया से होगा, मजबूती होगी, ठीक है। और अभी मैं एक दो पॉइंट और बता देता हूँ आपको, ये देखिए इधर से आइए, देखिए बारी बंद होने के बाद में आपको यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। ये देखिए इजी एकदम चिटकनी इजी से लग रही है, देखिए ये देखिए इजी से हो रही है ना अपनी, और ये देखिए। और सबसे बड़ा पॉइंट ये देखिए, इसके नीचे से बताइए, ये देखिए दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको, लकड़ी के टुकड़े दिख रहे हैं आपको, देखिए। बाकी जो मैं दावे से कह सकता हूँ, 100 में से 90 घरों में जो गेट बने होते हैं उनमें बिना टुकड़ों के ये गेट बने होते हैं। उसमें क्या दिक्कत आती है, जैसे आप यहाँ के जो इस पाइप को इस पाइप में कनेक्ट करने के लिए ये जो हम लोग स्क्रू लगाते हैं, ये देखिए स्क्रू लगाते हैं, अगर ये लकड़ी का टुकड़ा नहीं होगा अंदर, आप नीचे रखिए भाई कैमरे को, अगर लकड़ी का टुकड़ा नहीं होगा तो इन दोनों पेच को हम जैसे ही टाइट करेंगे ज़्यादा, ऐसे देखिए इसमें, तो ये जो पाइप है ना, यहाँ से ऐसे राउंड होने लग जाएगा। इसमें बाद में वो कुछ नहीं कर सकता, वो एक बार से उसको हल्का सा हाथ से टाइट करके छोड़ देगा, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। ये देखिए सभी में लकड़ी के टुकड़े भरे हैं, ये देखिए दिख रहे हैं ना आपको, लकड़ी के टुकड़े भरे। इससे आप जितना मर्जी चाहे पेच को टाइट कर लीजिए, आपका हाथ जितनी जोर लगा लीजिए, ये देखिए मैंने लगा रहा हूँ, ये देखिए उसमें आपको पाइप को इसका सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे पाइप बेंड नहीं होगा। और चौथा पॉइंट, ये जो हमने कब्जे लगाए हैं, इस कब्जे में हमारा जो ये वाली लकड़ी का टुकड़ा है वो यहाँ तक दिया है, इसमें जो हमारे कब्जे के पेच हैं वो इसमें, ये जो हमारे पेच हैं ये पूरा अंदर लकड़ी के टुकड़े के अंदर तक गए हैं, जिससे ये कभी भी लूज़ नहीं होगा। वरना क्या होता है, साल दो साल बाद में यहाँ से जो पेच फ्री हो जाते हैं तो बाद में उसका कोई उपाय नहीं रह जाता, फिर उसको दोबारा से या तो कब्जे को ऊपर नीचे ले हो, या फिर वो उसका काम महंगा हो जाता है। हमने इसमें एक ही बार में लकड़ी का टुकड़ा यहाँ से लेकर यहाँ से डाल दिया है, जिससे कभी भी पेच फ्री होगा ही नहीं। आप दावे से कह सकते हैं आप उसमें कम से कम 50 किलो वेट लटका दोगे ना, ये देखिए भाई कैमरे को दूर कर लो, मैं एक बार लटकने वाला हूँ, हो गया आपको, ये देखिए लटक रहा हूँ, ठीक है ना आपको, ये देखिए मैं हवा में हूँ।
अब इसको एक बार बंद कर दीजिए, हो गया। आप भाई साहब उधर आ जाइए। तो मेरी जो भी दर्शकों से ये विनती है, आप अपने घर में जो भी फर्नीचर का, चाहे एल्युमिनियम का काम हो चाहे लकड़ी का काम हो, तो उस अच्छे व्यक्ति, उस व्यक्ति का कम से कम जैसे उसने 10-15 साल काम किया हो और उसकी पिछली जगह पे उसने जो भी काम किया हो उस जगह पे एक बार